cut. Assalamualaikum viewers, आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी अकाउंटिंग एंट्रीज हम इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अब डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग क्या है अकाउंटिंग की रूल से? अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है। डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट इंडिकेशंस हैं, नाम हैं लेफ्ट और राइट साइड ऑफ टी अकाउंट के। टी अकाउंट के लेफ्ट और राइट साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट क्लास यूज करते हैं, बाकी इसके मीनिंग अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अब डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को हम यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं। डेबिट और क्रेडिट रूल को डिस्कस करने से पहले आप एक की देख लें, ये इंक्रीज के लिए मैं यूज करूंगा और ये डाउन एरो में डिक्रीज के लिए यूज करूंगा। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंट अकाउंट्स हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट्स में हमारे पास इंक्रीज आता है तो वो हम डेबिट साइड ऑफ टी अकाउंट से शो करते हैं। इंक्रीज इन एसेट इज शोन इन द डेबिट साइड। ठीक है जी, इसी तरह अगर एसेट में डिक्रीज आ जाए तो वो हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज इन एसेट। लायबिलिटीज को देखते हैं तो अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज आए तो वो हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और लायबिलिटीज में सॉरी इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और अगर लायबिलिटीज में डिक्रीज आएगा तो वो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज शोन ऑन द डेबिट साइड। ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी का सेम रूल है, ओनर्स इक्विटी में अगर इंक्रीज आएगा तो वो क्रेडिट होगा, और ओनर्स इक्विटी में अगर डिक्रीज आएगा तो वो डेबिट साइड पे होगा। इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट को हम देखते हैं। रेवेन्यू से क्या होता है कि ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होता है रेवेन्यू आने से, और ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज हम लेफ्ट साइड यानी क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, तो रेवेन्यू अकाउंट में भी अगर इंक्रीज आएगा तो वो हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और रेवेन्यू में डिक्रीज को हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, डिक्रीज को हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। ठीक है जी, अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में से ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है, मतलब एक्सपेंसेस में जितना इजाफा होगा ओनर्स इक्विटी में उतनी कमी होगी। अब एक्सपेंसेस चूंकि ओनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट होगा, इंक्रीज डेबिट होगा, और एक्सपेंसेस में डिक्रीज जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है जी, सारे अकाउंट हो गए एसेट लायबिलिटीज। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग अकाउंट में अगर इंक्रीज आता है, ओनर बिजनेस अकाउंट से ड्राइंग्स करता है तो उससे ओनर इक्विटी या कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ड्राइंग से ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है तो जितनी ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी तो ओनर इक्विटी डिक्रीज होगी, इसलिए ड्राइंग्स को हम राइट साइड पे लिखेंगे, इंक्रीज इन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स में अगर डिक्रीज आएगा तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है जी, अब एसेट्स में इंक्रीज कैसे आएगा, मतलब एसेट्स हम अगर खरीदते हैं लैंड बिल्डिंग्स
इक्विपमेंट्स, टूल्स, ऑफिस फर्निशेज, ये चीज़ें अगर हम खरीदते हैं तो एसेट्स इंक्रीज होंगे और ये डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जिस चीज़ के भी एंड में पेबल आता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, मतलब हमने किसी को देनी है, पेमेंट करनी है, सारी पेमेंट्स हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं। अब लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, ये चीज़ें आ जाती हैं। नोट्स पेबल जितने ज़्यादा होंगे लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी। ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज कैसे आएगा? ओनर्स इक्विटी कहते हैं क्लेम ऑफ द ओनर टू द शेयर्स, मतलब बिजनेस में जितने भी शेयर्स हैं उसमें ओनर जिन पे क्लेम कर सकते हैं वो उसकी इक्विटी है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एक ओनर नहीं होता, डिफरेंट ओनर्स होते हैं, हर ओनर का अपना एक शेयर होता है, तो जितना शेयर एक ओनर क्लेम कर सकता है वो उसकी ओनर्स इक्विटी है। ठीक है जी। रेवेन्यू, प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन या प्रॉफिटेबल इवेंट्स से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंसेस, अखराजात हो गए जी, जितने एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। ड्राइंग्स, मैं आपको बता दिया कि ओनर बिजनेस अकाउंट में से जो ड्राइंग्स करेगा वो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसके शो करेंगे। ये सब था जी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के मुताबिक। क्रेडिट रूल्स के अगर इन रूल्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें।